नहीं है मेरे प्यारो, ना मां के जिंदगी में ऐसा ही था, कोड़ी था, खुशी नहीं था, मगर एक दिन उसके जिंदगी में चंगाई जो है होने वाला था, एक दिन उसके जिंदगी में खुशी आने वाला था, एक दिन उसके जिंदगी में चमत्कार होने वाला था, एक दिन उसके जिंदगी में बदलावट परिवर्तन का समय आ गया था। कोई आमीन बोल सकते हैं? उसके घर में एक छोटी सी लड़की थी, उसके बारे में हम लोग अगला संडे मनन करेंगे। वो कहती है, मेरे इसराइल में भविष्यद्वक्ता है, अगर मेरा मालिक यानी नामान उधर जाएगा तो वो चंगा हो जाएगा। ये न्यूज उसने दे दिया, ये न्यूज उसने क्या कर दिया, थोड़ा सा सुन रहे हैं आप लोग? कितने लोग सुन रहे हैं? क्या बोला वो लड़की ने? तीसरा वचन, अपने उसने अपने स्वामिनी से कहा, सब लोग बोले, यदि मेरा स्वामी शबरोन के भविष्यद्वक्ता, अब ये भविष्यद्वक्ता कौन था? एलिशा। ये कौन था? एलिशा के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोड़ से चंगा कर देता। बोलो, कोड़ से चंगा कर देता। हमें इसका मतलब है, नामान की जिंदगी में चमत्कार का दरवाजा खटखटाने लगा। बगल वाले हिलाकर बोलो, खटखटा रहा है, चंगाई खटखटा रहा है, असली आशीष खटखटा रहा है, असली खुशी खटखटा रहा है, असली आजादी। कमॉन चर्च, आपसे बातें कर रहा हूं ब्रदर, बोलो खटखटा रहा है। इसका मतलब अभी की आशीष आशीष नहीं है, असली आशीष आने वाला है। हालेलुया, कोई आमीन बोल सकते हैं? इसका मतलब है परमेश्वर हर एक की जिंदगी में एक न एक दिन दरवाजा खटखटाएगा जरूर। हालेलुया, तेरे हालात कितने भी बिगड़े रहने दो, मगर मुकद्दर का सिकंदर एक दिन तो होने वाला ही है। कम ऑन चर्च, हालेलुया, एक न एक दिन चंगाई तेरे दरवाजे को खटखटाएगा, एक न एक दिन आशीष तेरे दरवाजे को खटखटाएगा, एक न एक दिन चमत्कार तेरे दरवाजे को खटखटाएगा, एक न एक दिन तेरा जिंदगी परिवर्तन होने के लिए दरवाजा खटखटाएगा। मगर सवाल ये उठता है, जिस दिन खटखटा रहे हैं, क्या तू दरवाजा खोलने के लिए तैयार है? हालेलुया।